देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नहीं, उसका सीक्वल नहीं है दोस्त, वेलकम टू सज्जनपुर का ऑफकोर्स सीक्वल नहीं है, बट कहानी एक गांव से रिलेटेड है और एक एनआरआई से रिलेटेड है, और एक एनआरआई का वेलकम करते हैं बेसिकली गांव में। सो देयर इज एन एनआरआई हु कम्स टू इंडिया फॉर अ वेकेशन, अ हॉलिडे, एंड देन शी डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ विलेज विच इज बजरंगपुर। तो इसीलिए वो टाइटल बड़ा एप्ट लगा हमें। ऑफ कोर्स वो थोड़ा ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव डन वेलकम टू सज्जनपुर, तो ऐसे लग सकता है कि सीक्वल है क्या है, बट उसका सीक्वल वगैरह नहीं है, उसका उससे कोई टेक्निकली वैसे कोई लेना देना उस कहानी से नहीं है, बट हाँ, कहानी का टाइटल और कहानी दोनों का क्या कहते हैं, इट गोज विद द स्टोरी, दैट्स द रीजन वी हैव टाइटल्ड इट वेलकम टू बजरंगपुर। बाकी शायद इनको एनकैश करना हो तो पता नहीं। So, can you hear me? Yeah. Great. So, I decided to take up this project because it is very interesting. Now, I unfortunately can't reveal that much. However, I think it really resonates with me, with my real character, with my real life character. So, this is the reason why I decided to take it. Well, it's been 2.5 years. Almost 3 years for me that I've been working a lot on my dancing skills, on my Hindi, on my language, and on my acting skills. Yeah, so this is how I've been preparing myself. Madam. दादा काय पूरा ग्रुप आहे अभी क्या ग्रुप पंधरा वर्षाचा आहे सर तू थैंक यू। देखिए